हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल शेट प्लस। आई एम हियर योर मेंटोर अंकिता मैम, और हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 6। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोगों ने टेरिडोफाइट्स ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है, ठीक है। कुछ क्लासेस बची है, वो करेंगे, बट उसके पहले वी विल स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स वुड यू प्लेस अ प्लांट दैट प्रोड्यूसेस स्पोर्स, लैक सीड एंड हैज वैस्कुलर टिश्यू? टेरिडोफाइट्स सही है। सीड लिखा होता तो जिम्नोस्पर्म्स भी आंसर हो सकता था, लेकिन इनके पास सीड नहीं होता है। इन टेरिडोफाइट्स द डोमिनेंट जनरेशन इज स्पोरोफिटिक, जो कि डिप्लॉइड होता है। यस, नेक्स्ट। रिडक्शन डिविजन इन टेरिडोफाइट्स दैट इज मियोसिस अकर्स इन, मियोसिस कहाँ पे होती है टेरिडोफाइट्स में? दिस इज मियोसिस, कहाँ पे होती है? अकर्स इन मतलब इसके बाद क्या बनता है, बेसिकली वो पूछना चाहते हैं। सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं मियोसिस से। हाँ, जैसे तुम ऑप्शंस की फॉर्मेशन देखोगे तो उस हिसाब से स्पोर्स आर फॉर्म। नेक्स्ट इज प्रोथैलेस रिप्रेजेंट्स। प्रोथैलेस क्या रिप्रेजेंट करता है? गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है। यस, ये तो हमें पता है, गैमेटोफाइट इन फर्न और जिम्नोस्पर्म्स। फर्न में नहीं, जिम्नोस्पर्म्स। नेक्स्ट, टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स डिफर इन हैविंग, बताओ। स्पर्मेटोजोइट्स होते हैं, आर्कियोनिया होते हैं, सेपरेट गैमेटोफाइट्स भी होते हैं, ठीक है। बस इसमें क्या होता है, टेरिडोफाइट में एक रिटेन किया होता है बॉडी पे और दूसरा रिटेन नहीं करता है बॉडी पे। कंडक्टिंग सिस्टम, इसका मतलब क्या है? जाइलम और फ्लोएम से बात कर रहे हैं, वास्कुलर बंडल। टेरिडोफाइट्स में होता है और ब्रायो में नहीं होता है। सिक्स्थ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीम्ड टू बी वाइटल इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट? सीड हैबिट के लिए वाइटल क्या था, किसकी वजह से सीड हैबिट आई? डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, और कुछ? डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट या फिर गैमेटोफाइट। यस, स्पोरोफाइट नहीं, गैमेटोफाइट। हेट्रोस्पोरी होगा, एग्जैक्टली। मैंने लास्ट में लिखवाया अभी एक स्टार बना के कि हेट्रोस्पोरी की वजह से, क्योंकि होमोस्पोरस थे तब तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। लेकिन हेट्रोस्पोर्स जब थे तो फीमेल और मेल अलग अलग उस पर बनते थे, किस पे? स्पोरेंजिया में, और सीड हैबिट यहीं से आई थी। हेट्रोस्पोरी वॉज इम्पोर्टेंट फॉर दैट। और विच ऑफ दीज इज अ मेंबर ऑफ वास्कुलर क्रिप्टोग्राम? टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स वास्कुलर क्रिप्टोग्राम थे, है ठीक है। एक लाइन लिखनी थी, ये जो हेट्रोस्पोरी हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें कौन कौन से लोग हेट्रोस्पोरस होते हैं? अगर हम हेट्रोस्पोरी की बात करें या हेट्रोस्पोरस होने की बात करें, ठीक है, और हम बोले कि टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट जो हमने पढ़ा, टेरिडोफाइट में कौन कौन हेट्रोस्पोरस है? यस, ये दो लोग। उसके बाद मैं ये बताऊंगी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स दोनों ही पूरी तरीके से हेट्रोस्पोरस है, तभी तो सीड हैबिट यहाँ से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि कुछ के पास वो चीज थी। और उसके बाद अगर तुम जिम्नो में आओ तो वहां पे भी सीड्स बनते हैं और एंजियो में भी सीड्स बनते हैं, तो हेट्रोस्पोरी तो वहां है ही, और हर एक स्पीशीज में सीड्स बनते हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इसके पहले हमें हेट्रोस्पोरी नहीं दिखी थी या हेट्रोस्पोरस स्पीशीज नहीं दिखी थी। जिम्नोस्पर्म्स में हम लोग, जो लोग होमोस्पोरस है और जो लोग हेट्रोस्पोरस है, जो हेट्रोस्पोरस है उनको डाइशियस स्पीशीज भी बोल सकते हैं, ठीक है, और जो होमोस्पोरस है उनको मोनोशियस भी बोल सकते हैं। तुम लोगों को एक टेरिडोफाइट याद है, एजोला पिनेटा, जो एसोसिएशन करता है साइनोबैक्टीरिया के साथ, याद है? एजोला भी यही आता है, या लिख लो, याद है? जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था हम लोगों ने, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ बीजीए एंड अ फर्न, और वो फर्न कौन था? एजोला, एजोला पिनेटा, और उस एसोसिएशन का नाम है एनाबिना एजोला। कुछ क्लासेस है इनकी, इनके एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं। कितनी क्लासेस हैं?
यस कुछ खास नहीं याद रखना है इनके नाम और एग्जांपल्स. सबसे पहले है टेरोप्सिडा, फिर लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और सिलोप्सिडा. चार लोग हैं और चारों के एग्जाम्पल्स हमें याद करने हैं. कुछ कुछ के एग्जाम्पल्स नाम से ही हमें याद हो जाते हैं. जैसे टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल है टेरिस, इन सब के बारे में हमें पढ़ना नहीं है लेकिन एग्जाम्पल्स याद रखने हैं. उसके बाद ड्राई ऑफ टेरिस, लाइकोप्सिडा में फर्न्स आ जाते हैं. पहला सबसे पहले लाइकोपोडियम, शिलाजनेला, दो एग्जाम्पल्स काफी हैं. सिलोप्सिडा में आई रिमेम्बर साइलोटम आता है और स्फेनोप्सिडा में कौन आता है? फर्न्स. फर्न्स इधर आते हैं. ड्रायप्टेरिस इज अ फर्न. और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? इक्विसिटम आता है. यस इक्विसिटम, जिसका एक बहुत अच्छा नाम भी है, हॉर्स टेल कहते हैं हम इसको. हॉर्स टेल. ये सारे एग्जाम्पल्स याद करना थोड़ा मुश्किल टास्क होता है बट हो जाता है. साइलोप्सिडा का एक एग्जाम्पल है, साइलोटम याद करना है, स्फेनोप्सिडा में भी एक ही है. कुछ एग्जाम्पल जो छूट गए जैसे एडीएमटम और साल्विनिया, जिसका नाम हमने सुना है, वो यहाँ आते हैं. एडीएमटम का दूसरा नाम क्या है? वॉकिंग फर्न. इसको वॉकिंग फर्न कहते हैं, चलता नहीं है ये वैसे. और एक लास्ट एग्जाम्पल है इसका, साल्विनिया. टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और सिलोप्सिडा, चार क्लासेस हैं, चारों ध्यान रखना. अच्छा, टेरिडोफाइट्स में वास्कुलर बंडल्स तो आ गए हैं, जाइलम के हुए हैं, लेकिन पता है जाइलम में यहाँ पे एक चीज नहीं होती है, एक कॉम्पोनेंट. जाइलम में वेसल्स नहीं होते हैं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होती हैं. ये चीज हमें पता होनी चाहिए. एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट कहीं हम जरूर मेंशन करेंगे अलग से. कहीं पे स्टार बना के लिख लो कि जाइलम लैक वेसल्स. And phloem lack companion cells. दो बातें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है. कुछ छूटा तो नहीं? हाँ, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो कि बहुत थोड़ी सी है लेकिन लिख लेते हैं. देखो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स. तीन से चार इंपॉर्टेंट है, सेम फॉर्मेट में लिख लेंगे जैसे सबकी लिखी है ऐसे. तीन बातें हैं बस. दे आर सॉइल बाइंडर्स, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, बांध के रखते हैं. दूसरा एनसीईआरटी लिखती है कि हम इसको मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज करते हैं.
यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस. इन लास्ट लिखा है जो बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इट ग्रोज ऑन ऑर्नामेंट्स. सुंदर बनाते हैं उसको. ऑर्नामेंट्स लिखा. तीन बातें बस और कुछ नहीं. कल मैंने पूरे दिन क्लास नहीं ली, आज मुझे लगा था क्लास अच्छा लग रहा था. जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स इज ओवर. जिम्नोस्पर्म्स पढ़ते हैं. Do we have any slide? अरे इन लोगों को तो देख लो, बताओ कौन कौन है. सर ये सालविनिया है बिल्कुल. मैं एक चीज सालविनिया में बस ये बताना चाहती हूँ और कुछ खास नहीं है, कि ये जो नीचे स्ट्रक्चर्स हैं ये रूट्स नहीं है, दे आर लीव्स. सालविनिया में तीन तरह की लीव्स पाई जाती हैं, ये मत जानो बस, ये जो स्ट्रक्चर्स नीचे हैं ये लीव्स हैं, इसका ध्यान रखना. दिस इज व्हाट, ये संजीवनी बूटी है. ठीक है, ये क्या है? हॉर्स टेल इक्विसिटम. एंड द लास्ट वन इज फर्न. ठीक है, यहाँ पे रूट स्टेम लीफ और रूट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे भी लीव्स दिख रही हैं, ये याद रखना है. जो लटके हुए स्ट्रक्चर्स हैं ये लीव्स हैं, रूट्स नहीं है. रूट्स यहाँ पे है छोटे छोटे. उसके बाद यहाँ पे ब्रांचेस हैं, इंटरनोड है, नोड है. स्ट्रॉबिलिस, व्हाट इज स्ट्रॉबिलिस? कोन. कोन इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रॉबिलिस, ऑल्सो कॉल्ड एज लैक्स. अभी पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स में. कुछ लिखना है इसमें? शुरू करते हैं जिम्नोस्पर्म्स के बेसिक से. हैबिटेट, इनका हैबिटेट इज कूल. कूल ठंडी जगह में रहते हैं ये, ड्राई और कूल. अभी तक जितने लोग थे वो मॉइस्ट जगह पे रहना प्रेफर कर रहे थे. ड्राई एंड कूल इन्वायरमेंट. कूल कूल. ड्राई और कूल इन्वायरमेंट में रहते हैं और हिली एरियाज में पाए जाते हैं. हिली एरियाज. पूरे हमारे जो ये पांच के वो लोग हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, उसमें सबसे कम जिम्नोस्पर्म्स हैं. जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे या पढ़े हैं, ठीक है, तो उसमें यार एक पाई चार्ट बना हुआ है जिसमें एंजियोस्पर्म भी है, ये है, लेकिन उसमें जिम्नोस्पर्म नहीं है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म जितने कम है कि हमने उसको उस पाई चार्ट में मेंशन भी नहीं किया है. तो यहाँ पे लिख सकते हो लीस्ट नंबर. हो गया स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर. मेन प्लांट बॉडी कैसी है इनकी? यस, लिख लेते हैं मेन प्लांट बॉडी. डिप्लोइड या स्पोरोफिटिक? स्ट्रक्चर के बारे में जैसा इनका नाम सजेस्ट करता है तो वो बात भी लिख लेते हैं कि सीड्स कैसे होते हैं इनके. सीड्स आर नेकेड, मतलब ओव्यूल्स नहीं होते.
seeds are second point, seeds are naked. इनको कहते हैं naked seeded plants. ठीक, seeds naked होते हैं. और क्या होते हैं, कैसे होते हैं ये देखने में. सपोज करो ये स्टेम है, स्टेम तो होगी सेम, कुछ कुछ वैसे ही हैं जैसे टेरिडोफाइट से. बस यहाँ पे तुम एक चीज दिखेगी, एक नया स्ट्रक्चर जो आगे जाके सीट कोट बना लेता है. याद है क्या होता है वो स्ट्रक्चर जो आगे जाके सीट कोट बना लेता है? इंटेग्यूमेंट्स. याद है यहाँ पे आपको इंटेग्यूमेंट्स दिखेंगे, ये इंटेग्यूमेंट्स जो आगे जाके सीट कोट बनाएंगे. बाकी सारी चीजें जैसे हमने टेरिडोफाइट्स में पढ़ी थी, जैसे जो लीफ स्पोरांजिया बियर करेगी उसको हम वहां पे क्या कहते थे, स्पोरोफिल. यहाँ पे हम कहेंगे, यहाँ पे भी स्पोरोफिल कहते हैं, यहाँ पे एक टर्म आ जाता है माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल. जैसे वहां पे माइक्रोफिल और मैक्रोफिल कहते थे, ये वाली जो लीफ है इसको हम कहेंगे, एक बार को सपोज कर लेते कि ये फीमेल है तो हम क्या कहेंगे इसको, मेगास्पोरोफिल. ये मेगास्पोरोफिल होगी और इसके ऊपर ये गोल सा स्ट्रक्चर जो येलो येलो दिख रहा है इसको हम कहेंगे मेगा ना स्पोर, जिसके अंदर बनते हैं स्पोरांजिया, मेगा स्पोरांजिया. और अंदर जिसके स्पोर्स बनेंगे मियोसिस के बाद, वो तो दूसरा प्रोसेस है. ये एक नया स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसको हम कहेंगे इंटेग्यूमेंट्स. यही इंटेग्यूमेंट्स आगे जाके सीट कवर बना लेंगे, इंटेग्यूमेंट्स. और यही मेगास्पोरांजियम पता है आगे जाके क्या बनाता है, याद है किसी को? मेगास्पोरांजियम रिप्रेजेंट व्हाट? ओव्यूल, जिसके अंदर मियोसिस होगी, सारी चीजें होंगी और इवेंचुअली सीड्स बनेंगे. हमें फीमेल कोन पढ़ना है अभी, हेडिंग डालो फीमेल कोन. होता क्या है फीमेल कोन? फीमेल कोन का नाम क्या क्या होता है पहले ये भी देख लो. हम इसको स्ट्रोबेलाई भी बोलते हैं, ये मेल कोन को भी कहेंगे. साथ में हम एक टर्म यूज करते हैं मेगा स्पोरांजिएट. मेगा स्पोरांजिया और मेगा स्पोरांजिएट में थोड़ा सा डिफरेंस है. अगर मेगा स्पोरांजिएट लिखा है तो फीमेल कोन है, माइक्रो स्पोरांजिएट लिखा है तो मेल कोन है. स्ट्रोबेलाई इज दैट ओनली. और लैक्स भी कहते हैं हम इसको, ये एनसीईआरटी में छोटा सा लिखा है लैक्स, भूलना मत. तो एक लाइन लिख लो, कोन्स बियरिंग, कोन्स बियरिंग मेगा स्पोरोफिल, स्पोरोफिल. ये मेगा स्पोरोफिल क्या किसके ऊपर होते हैं? कोन्स बियरिंग मेगास्पोरांजियन मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरांजिया ऑन मेगास्पोरोफिल इज कॉल्ड एज फीमेल कोन. मेगास्पोरांजिया ऑन मेगास्पोरोफिल. जो अभी फोटो में बात बनाई वही है. कौन क्या होता था? क्लस्टर. ठीक है, इन्हीं लोगों का क्लस्टर, जो माइक्रो मैक्रो स्पोरोफिल है, इन दोनों का क्लस्टर विद स्पोरांजिया इज कॉल्ड एज कोन.
लेकिन फीमेल कोन किसको कहेंगे भाई, वो वाला कोन होगा जिसमें मेगास्पोरांजिया किस पे होगा, मेगास्पोरोफिल पे, उस वाले कोन को हम फीमेल कोन कह देते हैं। ठीक, फीमेल कोन पढ़ना है पूरा। पेड़ बनाओ अब, और पेड़ बनाना शुरू करते हैं। इसको क्या कहोगे? यस, इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर है। यस, मेगास्पोरांजिया, इंटेग्यूमेंट्स वगैरह होंगे सारे, ऐसे ही रहेगा। इसको हमने बाहर निकाल लिया, ठीक, इसको बाहर निकाल के पढ़ते हैं। इंटेग्यूमेंट्स, अब इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो अब तुम लोग जिससे फेमिलियर हो गए थोड़े थोड़े, उसको हम कहते हैं न्यूसिलस। ठीक है, अंदर न्यूसिलस है जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, अगर तुम लोग को याद हो तो इट इज न्यूट्रिटिव टिश्यू। इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, न्यूसिलस के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ पे एमएमसी प्रेजेंट है, न्यूसिलस के अंदर एमएमसी प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर की मदर है, मतलब आगे जाके क्या बनाएगी, मेगास्पोर बनाएगी, किससे, मियोसिस से। सिंपल है, लेकिन सारी चीजें इसके अंदर ही हो रही होंगी। ठीक, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। ये बाहर वाली चीज इंटेग्यूमेंट है, कलर चेंज हो गया है, ध्यान रखना थोड़ा सा। लेकिन इंटेग्यूमेंट जैसा स्ट्रक्चर बना लो, और इसमें फिर से कलर चेंज हो गया। द स्ट्रगल इज रियल हियर। ठीक है, क्या हो रहा है कि एक सेल, लेट अस सपोज एक, यहाँ पे हम लोगों ने याद एंजियोस्पर्म में कभी पढ़ा है कि एमएमसी, सारी एमएमसी आर केपेबल टू फॉर्म स्पोर्स, मेगा स्पोर। उसमें से लेट अस सपोज ये वाली जो है, ये वाली मियोसिस कर रही है, और मियोसिस करके क्या बनाएगी, चार छोटे छोटे मेगास्पोर। यहाँ पे भी सेम कहानी चलती है कि तीन मेगास्पोर डीजनरेट कर जाते हैं, इसमें से तीन मेगास्पोर डीजनरेट कर जाएंगे और एक क्या हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा। एक मेगास्पोर फंक्शनल होगा, फंक्शनल मेगास्पोर कहेंगे हम इसको, और यही आगे की पूरी कहानी चलाएगा हमारी। एक मेगास्पोर फंक्शनल हो जाएगा, प्लॉइडी क्या होगी इसकी, ठीक है, एन हो गई। ठीक, सिर्फ एक इस मेगास्पोर को लेके चल रहे हैं अब। ये मेगास्पोर जो कि एन है, ठीक, ये अंदर ही अपना गैमेटोफाइट बनाएगा छोटा सा, ठीक, यहां पे बन जाएगा। इसको क्या कहेंगे, गैमेटोफाइट कौन सा, फीमेल। ठीक है, गेमेटोफाइट भी बना लिया। अब एक स्टोरी यहाँ चल रही, एक स्टोरी वहां पे भी चल रही होगी, वो स्टोरी हम अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है, इसके अंदर न्यूसिलस है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है, इसके अंदर एमएमसीज है, मेगास्पोर मदर्स है, जिसमें से एक, चलो क्या हुआ, एक की मियोसिस हो गई, मियोसिस के बाद चार मेगास्पोर बने, उसमें से तीन डीजनरेट कर गए, और एक फंक्शनल ने क्या किया, अंदर ही अंदर क्या बनाया, अंदर ही अंदर गेमेटोफाइट बना लिया, फीमेल गेमेटोफाइट। ये इसी पे रहेगा, ये यहाँ पे जब टेरिडोफाइट में ये हैबिट स्टार्ट हो गई है तो ये यहीं पे रहेगा, एक तरफ की कहानी ये चलेगी। गैमेटोफाइट है तो क्या बनाएगा, गैमेट, ठीक है, इनके गैमेट भी बना देते हैं। ये अपना ये जो गैमेटोफाइट है, इस पे छोटे छोटे गैमेट बना लेगा, लेट सपोज येलो कलर के। जरूरी नहीं है कि एक ही गैमेट बने, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं, इवन एक से ज्यादा ही बनते, लिख दो टू और मोर, क्या कहेंगे, आर की पोनियम। ये अपने गैमेटोफाइट पे, क्योंकि गैमेटोफाइट हमेशा गैमेट्स बनाता है, टू और मोर आर की पोनियम बन गए, जिसके अपने एक एक न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, एक कहानी ये चलेगी, कहानी को लिख लो, पता है क्या होने वाला है। अब एक तरफ मेल की कहानी चलेगी जो अपने मेल गैमेट्स बनाएगा, और इवेंचुअली वही मेल गैमेट आके इसको फ्यूज कर देगा।
ठीक है, और अंदर इंटेग्रमेंट के सीट बन जाएगा, ये इंटेग्रमेंट आगे जाके सीट कोट बना लेगा और फिर आगे की कहानी चलेगी फीमेल कोन के बाद। अभी मेल कोन की कहानी देखते हैं कि मेल कोन क्या करेगा। ये आर्किगोनियम हो गया, यहाँ पे बस एक लास्ट बात लिख लो, यहाँ पे मेल गैमीट इज रिलीज नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनियम, मेल गैमीट इज रिलीज्ड नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनियम। पानी की जरूरत है यहाँ पे भी। अच्छा यहाँ पे पता है एक चीज होती है, जैसे टेरिडोफाइट में तो पानी ही चाहिए और एंजियोस्पर्म में तो पॉलिनेशन होता है, पॉलन ट्यूब बनती है, यहाँ पे ना दोनों चीजें होती हैं। जिम्नोस्पर्म में पॉलन ट्यूब बनती है, हम पढ़ेंगे नहीं वो सब, सिर्फ मैं तुम्हें बता रही हूँ ठीक है। यहाँ पे हमने गैमेट्स को भेज रहा है, ये पॉलिनेशन के थ्रू, वाटर के पॉलिनेशन के थ्रू जा रहा है, लेकिन ये अंदर जाके पॉलन ट्यूब भी बनाता है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर वो पॉलन ट्यूब से ही जाएगा। बस याद रखना, ऐसे कोई जरूरी नहीं है इसको ध्यान रखना। इसके बाद अलग जगह कहीं पे लिख लो अब मेल कोन, और मेल कोन की कहानी देख लो। मेल कोन क्या होता है, जहां पे माइक्रोस्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरांजिया, उसके अंदर कहानी चलेगी ठीक है। सेम पेड़ बनाओ और ये भी एंजियोस्पर्म जैसा ही है, इंटेग्रमेंट्स होंगे, बिल्कुल होंगे इसके पास भी ठीक है। उसके बाद हमने इसको बाहर निकाल लिया, इसमें अंदर बहुत सारे क्या होंगे, न्यूक्लियस नहीं होता है, यहाँ पे बहुत सारे सेल हैं जो कि एमएमसी होंगे, इनको क्या कहेंगे हम, माइक्रोस्पोर मदर से। माइक्रोस्पोर मदर सेल ये भी मियोसिस करते हैं ठीक है, ये मियोसिस करेंगे। ये स्ट्रक्चर मैंने बाहर निकाला, इसका नाम क्या है, माइक्रोस्पोरांजिया। कोन को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरांजिएट ठीक है, माइक्रोस्पोरांजिया हमने बाहर निकाल लिया। इस माइक्रोस्पोरांजिया में एमएमसी है, और ये एमएमसी क्या करेगा, मियोसिस, और मियोसिस से यहाँ टेट्राड बनते हैं चार, लेट सपोज ये वाला है, इसने मियोसिस की और इसने चार पॉलन ग्रेन्स बना लिए, अंदर पूरी मियोसिस चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम अभी एक की स्टडी कर रहे हैं। और एक क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, मेल गेमेटोफाइट, यही तो मेल गेमेटोफाइट होता था, याद करो, पॉलन ग्रेन इज नॉट अ मेल गेमीट, इट्स अ मेल गेमेटोफाइट, गेमीट तो उसके अंदर होता था याद है। तो ये इसको हमने बाहर निकाल लिया इस गुलाबी वाले को, और इसमें थ्री सेल मान लेते हैं हम इसको अभी के लिए, थ्री सेल ही होते हैं जनरली ये, और कुछ और स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, ये बन जाता है पॉलन ग्रेन। अभी तक चीजें सब उसके अंदर हो रही थी, अब पॉलन ग्रेन्स जब बाहर निकलेंगे तो ऑब्वियसली वो अपने मेन प्लांट बॉडी को छोड़ देंगे, पॉलन ग्रेन्स, या फिर हम इसको कहते हैं मेल गेमिटोफाइट। इसकी स्टोरी छोटी सी है, उसकी स्टोरी बड़ी थी। यहाँ पॉलन ग्रेन चले गए, अब ये पानी या एयर से पॉलिनेट हो जाएंगे, लिख लो यहाँ पे पॉलिनेटेड बाय एयर और वाटर, मोस्टली यहाँ पे एयर मार्क करना अगर आएगा क्वेश्चन में तो ठीक है। बाकी एक बार पीछे चल रही हूँ, मुझे सबका प्रोसेस और प्लॉइडी बताते चलो, फिर हम मिक्स कराएंगे और जायगॉट बनाएंगे। जैसे न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या होगी, येलो ठीक है, न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या होगी, 2n, इसमें जो भी स्ट्रक्चर है सबकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n, ये मेन प्लांट बॉडी है डेफिनेटली 2n होगी, यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं सबके सब 2n होंगे ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम करा देंगे मियोसिस, मियोसिस हो रही है, मियोसिस से तीन डीजनरेट हो जा रहे हैं और एक फंक्शनल मेगास्पोर बच रहा है, इन सबकी प्लॉइडी क्या होगी, n, इसकी भी n, ये आगे गया, ये गैमेटोफाइट है, इसकी प्लॉइडी क्या होगी, n होगी डेफिनेटली, इसकी n होगी, यहाँ पे जो आर्किगोनियम बन रही है सारे सबकी प्लॉइडी क्या होगी, डेफिनेटली n, अभी तक यहाँ सब कुछ की प्लॉइडी n होगी। एक और चीज,
यहाँ पे एक अच्छी चीज है, ये जो स्ट्रक्चर है जो हम ग्रीन वाला लेके आ रहे हैं, क्या है इसको, क्या कहते हैं, स्पोरांजिया फीमेल, ये स्पोरांजिया है ना, मेगा स्पोरांजिया। यहाँ पे तुम एक चीज याद रखनी, एक सवाल आया हुआ नीट में भी इस तरीके का ही आया था, ये जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, 2n, याद रखना। तुम लोगों को एक क्वेश्चन याद है नीट का, एक क्वेश्चन आया था नीट में कि इनमें से कौन कौन लोग है, विच इज जनरेशन विद इन द जनरेशन, रिमेम्बर दैट। देखो ये एक एग्जाम्पल है उसका, इसमें ये पुरानी वाली जनरेशन है लेकिन इसमें जो अंदर चीजें बनने जा रही है, अभी जायगोट बनेगा, जब जैसे फर्टिलाइजेशन होगा तुरंत जायगोट बनेगा, तो एक 2n के अंदर n होगा, या फिर ये कह सकते हो एक पुरानी वाली जनरेशन के साथ एक नेक्स्ट जनरेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज है, तो याद रखना यहाँ पे इसकी प्लॉयडी 2n ही होगी, ग्रीन वाले स्ट्रक्चर की इंटेग्रमेंट्स है, इसकी प्लॉयडी क्या होगी, 2n। सिर्फ जो इसके अंदर मियोसिस हो रही है, मियोसिस तो अंदर हो रही है, तो जो भी अंदर वाले स्ट्रक्चर्स हैं उन सब की प्लॉयडी 2n हो जाएगी, बाकी सब जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं सबकी प्लॉयडी 2n रहेगी, तो इसको ध्यान रखना। सेम चीज वहां पे भी देख लेते हैं, लिख लिया आंसर का कुछ छूटो, यहाँ पे भी बता दो प्लॉयडी सारी माइक्रोस्पोरांजिया है, क्या होगी प्लॉयडी, इस पूरे प्लांट की प्लॉयडी 2n है, माइक्रोस्पोरांजिया की प्लॉयडी 2n होगी, यहाँ पे MMC की प्लॉयडी 2n होगी, यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स बन गए इनकी प्लॉयडी n हो जाएगी, पॉलन ग्रेन्स या जिसको एक और नाम देते हैं, क्या देते हैं, और माइक्रोस्पोर, ये भी तो एक नाम है, माइक्रोस्पोर्स बन गए, या फिर हम इसको ज्यादा अच्छा नाम माइक्रोस्पोर यहाँ नहीं देंगे, हम इसको डेवलप्ड माइक्रोस्पोर बोलते हैं, माइक्रोस्पोर्स ये हैं, और माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट कर जाते हैं या फिर कह लो मॉडिफाई हो जाते हैं, तब हम उसको पॉलन ग्रेन कहते हैं। माइक्रोस्पोर में ये सारे सेल्स थोड़ी बनते हैं, ठीक, माइक्रोस्पोर की प्लॉयडी एन, अगेन एन, ठीक है, यहाँ पे सबकी प्लॉयडी एन होगी। अब कहानी बन गई सारी, हमें एक तरफ पॉलन ग्रेन मिल गया और एक तरफ वो स्ट्रक्चर मिल गया जो हमने अभी बनाया था, फ्यूज करा दो दोनों को। एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये था जिसपे गेमिटोफाइट था, जिसपे एक से दो आर्किगोनिया बने हुए थे, ये हमने बना लिया था, फीमेल वाला पार्ट, दिस इज फीमेल वाला पार्ट, और दूसरी तरफ हमने एक मेल गेमिटोफाइट भी बना लिया है। ये क्या है स्ट्रक्चर बाहर वाला, एग्जाइन, वेरी गुड, ठीक है, ये हमने बना लिया मेल, मेल गेमिटोफाइट एंड दिस इज फीमेल गेमिटोफाइट। अब क्या कराना है, बस ये जाके इसके इसको फ्यूज करेगा, इसके एग्स को, और फिर इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं रह जाएगी, यहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन हो गया वापस से, एंड दिस जायगोट इज 2n। मेरा ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है अभी भी, वो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है अभी भी, ठीक, नेक्स्ट स्टेज इज ये बन गया सीड, ठीक, बाहर होगा कोट, अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो, जो जायगोट एम्ब्रियो, जायगोट ने एम्ब्रियो बना लिया है, ये इस एम्ब्रियो की प्लॉयडी 2n, दिस इज एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के साथ एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो हमेशा उसको खाना देता है, क्या नाम है उसका, एंडोस्पर्म, वो भी बना होगा, एंडोस्पर्म की प्लॉयडी बताना, एंडोस्पर्म की प्लॉयडी यहाँ पे एन होती है, ठीक है, याद रखना, ट्रिपल फ्यूजन नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, ये प्लॉयडी एंडोस्पर्म की एन होती है जिसको खाना देता रहता है, ठीक, और ये एम्ब्रियो क्या होता है, यही एम्ब्रियो अब आगे जाके नया जनरेशन बना देगा, ठीक। एम्ब्रियो को हम कह सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन का स्पोरोफाइट, नेक्स्ट जनरेशन स्पोरोफाइट।
इंटेग्रमेंट सीट कोड बना देंगे, ये सारी चीजें याद रखना। ये जो स्ट्रक्चर ग्रीन वाला बना हुआ आ रहा था जिसको हम मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल कह रहे थे, वो अभी भी यहाँ पे, ठीक, वही तो सीड है, ओव्यूल ही तो सीड में कन्वर्ट होते हैं, याद है, ठीक है। तो दिस इज मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल। परसों उसका वन शॉट रिविजन करेंगे, मिस मत करना उसको। ये एम्ब्रियो वापस से स्पोरोफाइट बना लेगा, टू इन, कहानी पूरी चल जाएगी, चलती जाएगी। और कुछ में छूट रहे तो इसमें, ये जो मेगास्पोर है ये यूनिसेलुलर है, और जो गैमेटोफाइट होता है वो हमेशा मल्टी सेलुलर होता है। पढ़ते हुए आ रहे हैं, ले भूलना मत उसको, ये यूनिसेलुलर है। तो ऑब्वियसली उसने माइटोसिस की है, और माइटोसिस करके उसने गैमेटोफाइट बना लिया है, ठीक है। हमने हर जगह लिखा है कि एक सिंगल सेल से जो गैमेटोफाइट बन रहा है वो पहले यूनिसेलुलर था, अब वो डिवाइड करके मल्टी सेलुलर बन गया। जिम्नोस्पर्म्स में बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, मीडियम साइज स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है उसमें एक चीज, एक लाइन ऐड कर लेना, इट इंक्लूड्स मीडियम साइज ट्रीज एंड श्रब्स। इधर कहीं it includes medium sized trees and shrubs. दो बहुत इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म्स हैं, साइकस और पाइनस। साइकस और पाइनस में सवाल आते हैं, इसलिए एक डिफ्रेंसिएशन देख लेंगे साइकस और पाइनस में, और सारे सवाल वहीं से हो जाएंगे। दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं साइकस और पाइनस, लिखो साइकस और पाइनस। साइकस कौन है? हम लोग, एग्जैक्टली। इसकी स्टेम, इसकी लीफ और इसके रूट के बारे में बस देखना है किस में कौन सी होती है। साइकस में अगर स्टेम में जाते हैं तो अनब्रांच स्टेम है, और पाइनस हमेशा उसका उल्टा है। लीफ की बात करते हैं तो लीफ साइकस में पिनेटली कंपाउंड, याद है अंशिका, पिनेटली कंपाउंड और पामेट, दो तरह के कंपाउंड लीफ होती हैं। एक को कहते हैं पिनेटली कंपाउंड और एक को कहते हैं पामेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड लीफ ऐसी होती है, मतलब एक पेड़ है, प्लांट है छोटा सा, उसमें ये लीव्स है, लेकिन ये लीव भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। नीम का प्लांट, नीम की पत्ती देखी है, नीम की पत्तियां कैसे होती हैं, ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी पत्तियां निकली रहती हैं, ठीक, इसको राचेस कहते हैं, और बहुत सारी चीजें होती है, मतलब लीव्स भी डिवाइड हो जाती है। इस तरह के लीव्स को हम कहते हैं पिनेटली कंपाउंड, और कुछ लीव्स ऐसी होती है कि कॉमन पॉइंट पॉइंट से पांच लीव्स निकली हैं, इसको कहते हैं पामेटली कंपाउंड। जैसे पाम है हमारा, दो तरह की लीव्स होती हैं, तो साइकस जो होता है वो कंपाउंड लीव ही होता है, और उसमें भी पिनेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं इसके पास। इधर लीव सिंपल होती है बट नीडल लाइक होती है, नोकीली, यहाँ पे लिखना नीडल लाइक लीव्स।
और जो पाइनस की लीव होती है वो बहुत ज्यादा अडाप्टेशन के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे लिख लोगे वेल अडाप्टेड, वेल अडाप्टेड टू विदस्टैंड, वेल अडाप्टेड टू विदस्टैंड ह्यूमिडिटी टेम्परेचर, एक्सेट्रा। हिली एरियाज में पाई जाती हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर में हमें पाइनस की लीव्स मिलेंगी, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर विंड, ठीक है, बहुत तेज हवा चल रही है, तो ये वाली लीव ज्यादा अच्छी अडाप्टेड होती हैं। उसके बाद एक चीज और, इनकी लीव्स, अभी लीव्स ही पढ़ रहे हैं, सनकेन स्टोमाटा होता है, सनकेन स्टोमाटा जानते हो, डीप पिटेड होता है स्टोमाटा, ट्रांसपिरेशन लॉस को कम करने के लिए, डीप पिटेड स्टोमाटा, इसको कहते हैं सनकेन स्टोमाटा, डीपली पिटेड, लीव्स के अंदर धंसा हुआ रहता है। और इनकी लीव्स में थिक क्यूटिकल की लेयर होती है, जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि लीव्स के बाहर एक वैक्सी लेयर पाई जाती है, क्यूटिकल, यहाँ पे क्यूटिकल बहुत थिक होती है, सब कुछ ट्रांसपिरेशन लॉस को कम करने के लिए हो रहा है, मतलब जितने भी अलग अलग तरह के अडाप्टेशन पाए जाते हैं वो इनकी लीव्स में पाए जाएंगे। साइकस की लीव उतनी अच्छी से अडाप्टेड नहीं है, इसलिए साइकस हमें अपने एरियाज में भी दिख जाएगा लेकिन पाइनस नहीं दिखेगा, पाइनस उधर हिली एरियाज में होता है जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। फिर बात करते हैं रूट, रूट दोनों की टैप है लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन है, जैसे हमने पढ़ा है कोरोलॉइड रूट, याद है कोरोलॉइड रूट साइकस में होती है, और पाइनस, पाइनस की तो ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होती है माइकोराइजा के साथ, मतलब फंजाई के साथ, पाइनस बिना फंजाई के नहीं सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट स्टेम एंड लीव्स, दूसरा इज द लास्ट इज टैप रूट, रूट लिख लो, टैप रूट प्रेजेंट, टैप रूट प्रेजेंट, उसमें हम लिखेंगे इन एसोसिएशन विथ, किसके साथ एसोसिएटेड होती है ये सर, ये जो कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकिस होती है वो किसके साथ है, एनाबिना नॉस्टॉक, इन एसोसिएशन विथ एंड, हमेशा हम इनकी रूट्स को एक नाम देते हैं, उसका नाम है कोरोलॉइड रूट, नाम ही फेमस हो चुका है कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकिस, कोरोलॉइड, कोरोलॉइड रूट लिखा है, इसका मतलब एसोसिएशन की बात हो रही है। पाइनस की रूट भी टैप होती है बट इन ऑब्लिगेट रिलेशनशिप, विथ फंजाई, उस एसोसिएशन का नाम है फंजाई, माइकोराइजा। इतनी सी बात है, एक लास्ट चीज, साइकस डाइशियस होता है और पाइनस मोनोशियस होता है, जितने भी पॉइंट्स हैं सब इंपॉर्टेंट है, ये डाइशियस है एंड दिस इज मोनोशियस। कुछ बातें और पढ़ते थे पहले, जैसे पाइनस में सल्फर शावर होता है, सल्फर शावर क्या होता है, जो स्प्रिंग सीजन में हमने जंगलों में देखा है कि येलो कलर का कुछ ऊपर शावरी से जा रहा है, तो क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स ऑफ पाइनस, उसको सल्फर शावर बोल देते हैं क्योंकि सल्फर भी येलो कलर का होता है और वो भी येलो येलो दिखते हैं, बट इसका कोई तुक नहीं है। ये जो निडल लाइक वाले लोग जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ना, उनको कोनिफर्स बोलते हैं, ठीक है, तो पाइनस कोनिफर्स में आता है, कोनिफर्स में इसका एक भाई भी है इसके साथ जिसका नाम है सेड्रस, ये सारी क्वालिटी सेड्रस की नहीं है याद रखना, मैं बस साथ में लिख देती हूँ कि पाइनस और सेड्रस एक क्लास में आते हैं, इनको हम कोनिफर्स कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी ऑफ एंड एनाटॉमी ऑफ लीव्स, कोन लाइक, मतलब नोकीली नोकीली सी लीव्स होती है ना,
जो कोनिफर्स होती है उनकी लीव्स नोकेली नोकेली से होती है, थिक क्यूटिकल, संकन, स्टोमाटा और ये सारी चीजें पाई जाती है। कुछ छूट तो नहीं रहा है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स में एक बात याद रखेंगे कि सीड्स आर नॉट कवर्ड, ये बात लिखी है ना हमने, बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन बोथ, सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय ओवरी वॉल बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन बोथ। जहां पे हमने स्ट्रक्चर वगैरह लिखा है वहां पे एड ऑन करोगे इसको, एंजियोस्पर्म में जस्ट इसको ऑपोजिट लिख देंगे। इधर ठीक है लिख लो। सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय ओवरी वॉल बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन बोथ। जिम्नोस्पर्म से इतना सही रहा, छोटा सा था, खत्म हो चुका है। ठीक, एंजियोस्पर्म्स में हमें कुछ खास नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। एक चीज जो कहीं और नहीं आएगी वो है लाइफ साइकिल, ठीक है। एक चीज कहीं और नहीं आएगी वो है लाइफ साइकिल, वो लाइफ साइकिल देख लेंगे, वो भी इजी सी है। मेरे पास कुछ एनालॉगीज हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म की, उनको पहले क्लियर कर लो। तो इससे क्या होगा, तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएंगे। जिम्नोस्पर्म्स का माइक्रोस्पोरोफिल क्या होता था, जिसपे माइक्रोस्पोरांजिया रहता था। इसका माइक्रोस्पोरोफिल या फिर इसका मेगास्पोरोफिल, इज एनालॉगस टू विच स्ट्रक्चर इन एंजियोस्पर्म्स। एक ऐसी चीज जिसमें गेमीट्स बनते होंगे, अगर माइक्रोस्पोरोफिल है तो यहाँ पे वो स्टेमन हो सकता है, हो सकता है। स्टेमन के अंदर आंथर है, फिलामेंट है, आंथर के अंदर ही तो सारी चीजें होती है, मियोसिस होता है। वैसे ही यहाँ पे कार्पल या पिस्टल, पिस्टल या फिर कार्पल, और एक चीज जो हमेशा नीट में आती है वो है मेगा स्पोरांजिया। क्या है ये? ओव्यूल, मेगा स्पोरांजिया, जिसके अंदर जो आगे जाके ओव्यूल बनाता था। यहाँ पे ओव्यूल इज एनालॉगस टू दैट स्ट्रक्चर। बस ये तीन स्ट्रक्चर्स की ध्यान रखना, ये एक एनालॉगी है। मेन प्लांट बॉडी इनकी भी स्पोरोफिटिक है, जो कि फ्लावर है, ठीक। चाहो तो एक बात लिख सकते हो, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक, फिर से लाइफ साइकिल पे आ जाओ। थोड़ा उतने डीप तरीके से लाइफ साइकिल नहीं पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से निपटाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग को दो दो चैप्टर्स में पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी में भी और फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्शन में भी। फ्लावर होगा जिसको हम यहाँ पे स्पोरोफाइट बोलेंगे, हमारा स्पोरोफाइट 2N। फ्लावर में दो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, पिस्टल और स्टेमन, ठीक है। ये सब तुम लोगों को थोड़ा सा आता होगा कंपैरेटिवली बाकी सारी चीजों से। फ्लावर में हमें मिलेगा पिस्टल और यहाँ हमें मिलेगा स्टेमन। टॉयडी सबकी 2N होके चलेगी। अभी पिस्टल के अंदर नीचे क्या होता है, ओव्यूल बनेगा, ओवरी के अंदर ओव्यूल बनेगा, ठीक। और यहाँ स्टेमन में क्या होगा, एंथर,
काम की चीजों पे चल रहे हैं बस। आंसर क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट, और ओव्यूल के अंदर बनता है एम्ब्रियो सैक, याद है एम्ब्रियो सैक जिसको हम कहेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, याद है ये एम्ब्रियो सैक, सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड, जिसमें यहाँ पे सिनर्जिड्स हैं, तो बीच में क्या है एक्सेल, बीच में एक्सेल थी और यहाँ पे पीछे क्या थे एंटीपोडल्स, बीच में एक पोलर न्यूक्लियाई, ये स्ट्रक्चर कहलाता था एम्ब्रियो सैक, और इसको कहते थे हम अपना मेल गैमेट फीमेल गैमेट, ठीक है एम्ब्रियो सैक। और यहाँ पे आंसर में क्या होगा, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे कहीं पे, ठीक है इट विल फॉर्म माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन गेन बनाएगा ये, इस पॉलन गेन को हम क्या कहेंगे हमारा मेल गैमेटोफाइट, ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट होगी, फीमेल गैमेटोफाइट और ये मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन्स डेवलप होने के बाद जाके एग सेल को फ्यूज कर देंगे और क्या हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। स्ट्रक्चर को यहीं पे ले आओ, यहाँ पे अगेन सेम कहानी चलेगी, पॉलन ग्रेन यहाँ जाएगा पॉलन ट्यूब बना के अंदर और इसको फर्टिलाइज कर देगा। फर्टिलाइजेशन हो गया और बाकी एंटीपोडल सिनर्जीज ये सारे शेड ऑफ हो जाते थे और बचता क्या था हमारे पास एम्ब्रियो, अंदर एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। यहाँ पे डबल ट्रिपल फर्टिलाइजेशन होता था, ये सारी चीजें याद होंगी थोड़ी बहुत, ठीक है उसके बाद यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा एंड एंडोस्पर्म, और सेम थोड़ा थोड़ा ये उसी के जैसा है पूरा जिम्नोस्पर्म्स, ये जाइगोट आगे जाके हमारी नेक्स्ट लाइफ की स्पोरोफाइट बना देगा आगे जाके। एंथर को माइक्रोस्पोरांजिया ही बोलते हैं। सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही है वैसे ही, गेमेटोफाइट्स जो होते हैं वो गेमीट्स बनाते हैं, यहाँ पे मेल गेमेटोफाइट हमारा पॉलन ग्रेन है जो कि पॉलिंग मेल गैमेट बनाएगा, और फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक जो कि फीमेल गैमेट बनाएगी। जो हमने स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सेक्सुअल फेज में दो फेजेस होते हैं गैमेटोफिटिक एक स्पोरोफिटिक, वो सारा अपना काम करते हुआ है पांचों में। एक बहुत बड़ा और बोरिंग से चैप्टर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, इसके बाद इससे भी बड़ा चैप्टर आ रहा है, लेकिन अच्छा चैप्टर है वो, मजा आएगा उसको पढ़ने में। अब हमें कुछ चीजें पढ़नी होंगी, इस क्लास में नहीं पढ़ रहे हम, कल पढ़ेंगे लाइफ साइकिल। जैसे जो लोग स्पोरोफिटिक हैं या गैमेटोफिटिक हैं उसके बेसिस पे हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलती है, जो लोग 2N है उनकी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलेगी, जिनकी लाइफ में मोस्ट ऑफ द फेज डिप्लॉन्टिक होगा तो उनकी लाइफ साइकिल को हम डिप्लॉन्टिक बोलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि किसी की लाइफ साइकिल में सिर्फ गैमेटोफिटिक फेज आता है। एल्गी याद है जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोट से सीधे क्या बन जाता था स्पोर्स और फिर वो बना लेते, ठीक है। तो ये सारी साइकिल्स पढ़ेंगे कल, दो तीन आधे घंटे में खत्म हो जाएगा होपफुली चैप्टर, फिर हम लोग वन शॉट लेंगे इसका फिगर्स और वो सारी चीजों के साथ, और फिर तो आप लोगों का टेस्ट ही है, तो मैं जा रही हूँ, क्लास खत्म हो गई है। कल तुम लोग मेरे लिए वो लेके आना लाइन, मैं इसको हाईलाइट करूंगा। खैर बेसिकली मैं ये कह रही थी कि क्लास खत्म हो गई तो अच्छा।